हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो झारखंड आईटीआई वालों के लिए काउंसलिंग प्रोसेस चालू कर दिया गया है ना। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे काउंसलिंग, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक है। एडिटिंग ऑफ चॉइस, मतलब जो आपने चॉइस किया है उसको अगर आप एडिट वगैरह करना चाहते हो तो 16 तारीख और 17 तारीख का डेट दिया हुआ है ना। अगर सीट अलॉटमेंट और डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहते हो तो 21 से लेकर 28 तारीख तक आप डाउनलोड कर सकेंगे और इसी डेट के बीच में आपको एडमिशन ले लेना होगा, ओके। और जो पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है, इसमें सब जितने भी रैंक के स्टूडेंट्स हैं सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि हाँ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बस इतने रैंक वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में इतने रैंक वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग चालू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको JCC वेबसाइट में आना है। आने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन में क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐसे दिखने को मिलेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन ITI 2021, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस बार जो इसमें एक चीज़ और अच्छा दिया हुआ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया इस बार, ठीक है। क्योंकि पिछले बार जितना भी काउंसलिंग होता उस टाइम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए बोला गया था, तो इसमें इस बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया। तो सब स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, काउंसलिंग वगैरह कर सकता है। अगर डोमिसाइल नहीं भी है तो, अगर जो लोग डोमिसाइल बनवाने के लिए दिए भी होंगे तत्काल के थ्रू, या तो जो लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट जो बनाने दिए होंगे ST SC वाले, है ना, तो वो लोग अभी सर्टिफिकेट बनाने जो लोग दिए तो उनके लिए सुविधा है ना, तो वो लोग भी काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको गाइडेंस के थ्रू मैं बताऊँगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, कि कैसे फॉलो करना है, ओके। स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर में क्लिक करना है। करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। आपका अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला है वो एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपना डाल दीजिए। डालने के बाद अपना सर्च में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड में चल जाएगा, ठीक है। जाने के बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। साइनिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, जाने उसमें क्लिक करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड देना होगा, ठीक है। जो पासवर्ड आपको मिला है आपके ईमेल आईडी में अभी तुरंत, वो पासवर्ड इसमें आपको डालना है, ठीक है। डालने के बाद आपको सबमिट करना है। ये पासवर्ड जो पहले मिला था, वो पहला वाला जो पासवर्ड है वो नहीं डालना, अभी जो ईमेल के माध्यम से जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड इसमें आपको डालना है, ठीक है। आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे दीजिए, डालने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। करंट पासवर्ड दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, करंट पासवर्ड दीजिएगा। डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे लॉग आउट का, चेंज पासवर्ड का कुछ ऑप्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा पेमेंट में जाना है, ठीक है। पेमेंट में जाने के बाद आप अपना पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा। पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट में आप लोगों का जो जनरल EWS BC1 BC2 वाले उनका 400 लगेगा, जो ST SC फीमेल कैंडिडेट है ऑफ ऑल कैटेगरीज उनका 250 लगेगा, ओके। पेमेंट कर लीजिएगा अपना, ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट हो जाएगा तो ये जो पेमेंट का जो ये है, स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा अपने पास, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा, ठीक है। आप इसके बाद आप अपना चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते थे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपको मैं बता दूँ। देखिए चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ट्रेड प्रेफरेंस का से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम रहेगा पहला ऑप्शन में। सेकंड, अगर सीट टाइप किस टाइप का सीट आप लेना चाहते हैं, ट्रेड नेम एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम दीजिए। और हाँ, जिसका रैंक सबसे अच्छा है तो वो तो अपना चॉइस के हिसाब से यहाँ पर कॉलेज दे सकता है। फॉर एग्जांपल, जिसका रैंक 1 से लेकर 20, 30, 40, 50, 60 रैंक जिसका है, चाहे वो CML रैंक क्यों ना हो, चाहे वो कैटेगरी रैंक क्यों ना हो, तो वो लोग अपना चॉइस का कॉलेज दे सकता है अकॉर्डिंग टू दियर। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अनगिनत चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट नेम दीजिए, सीट टाइप मतलब कैसे सीट लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट या तो प्राइवेट या तो PPP लेना चाहते तो यहाँ पे सेट कर लीजिए। ट्रेड नेम, किस ट्रेड में आप एडमिशन लेना, जैसे मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, ये सब ट्रेड में आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम दीजिए और यहाँ पे ऐड टू लिस्ट में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऐड टू लिस्ट में क्लिक करने के बाद फिर आप सेकंड ऑप्शन में आओगे। अब सेकंड ऑप्शन में अपना फिर से दूसरा कॉलेज नाम डालिए। ऐसे करते करते आप अपना अनगिनत
ये अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर लीजिएगा, है ना। करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, ठीक है, कि आपने ऐसा ऐसा ये कॉलेज चूज़ किया, ठीक है, गवर्नमेंट सीट वायरमैन ट्रेड है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जनरल रांची, है ना, जो 8th वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग के लिए भी सेम है, जो 10th वाले स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए भी सेम है, ठीक है। सब कुछ करने के बाद सेव एंड लॉक में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेव एंड लॉक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो आपने जो चॉइस फिलिंग किया है ये अब सेव और लॉक हो चुका, अब एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है अभी सेव एंड लॉक मत कीजिएगा। सेव एंड लॉक कब कीजिएगा, देखिए सेव एंड लॉक तभी कीजिएगा जब आप लोग को लास्ट डेट, देखिए एडिटिंग ऑफ फील्ड इन चॉइस ऑफ ट्रेड वाला जो ऑप्शन है ये 16 तारीख और 17 तारीख का दिया हुआ है, ठीक है। तो 17 तारीख तक, 16 और 17 तारीख का जो है, 17 तारीख तो लास्ट डेट आप लोग का, 17 तारीख को आप जो आपने चॉइस फिलिंग किया है उसका उसको आप सेव करके रख दीजिए एंड लॉक करके रख दीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ सेव करके रखें, क्योंकि बाई चांस अगर आप चाहते कि कॉलेज को ऊपर नीच करना चाहते तो सिर्फ ऊपर नीच कर सकते हो सेव करके, ठीक है। बट सेव एंड लॉक अभी मत कीजिएगा, सेव एंड लॉक 17 तारीख को कीजिएगा, ठीक है। करके अपना प्रिंट प्रीव्यू में चल जाएगा, इसका प्रिंट आप लेकर रख सकते हैं, अगर रखना चाहते हो तो रखिए, नहीं रखना तो आप मत रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टू चेंज द प्रेफरेंस सीरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट प्लीज़ ड्रैग अप और डाउन एंड क्लिक सेव बटन ऑलवेज, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो आपने चॉइस फिल किया है 3-4 कॉलेज, अगर आपने चॉइस फिलिंग किया है जो सेकेंड, अगर आप चाहते हैं सेकेंड वाला कॉलेज, जो सेकेंड वाला कॉलेज जो आपने चूज़ किया उसको फर्स्ट में रखना चाहते हैं तो उसको आप ऊपर नीच भी कर सकते हैं। करने के बाद बार बार आपको सेव में क्लिक करना होगा, ठीक है, सेव में बार बार क्लिक करना, जितना बार आप एडिट करोगे उतना बार आप सिर्फ सेव में ही क्लिक करना है, ठीक है, सेव में ही क्लिक करना है। 16 और 17 तारीख को आप सिर्फ क्या करना है, आके यहाँ पे सेव एंड लॉक में क्लिक कर दीजिएगा, याद से आके, ओके, याद से आके आप सेव एंड लॉक में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड प्रेस सेव एंड लॉक बटन फॉर फाइनल सिलेक्शन एंड लॉकिंग योर चॉइस फिलिंग, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस आफ्टर सेव एंड लॉक। सेव एंड लॉक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, सेव एंड लॉक अगर अभी कर दोगे ना तो एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, है ना। जो 9 से लेकर 15 तारीख के बीच में जो एडिटिंग का जो ऑप्शन है, चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है, इसी के बीच में आप सेव एंड लॉक का ऑप्शन में क्लिक मत कीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ अपना एडिट वगैरह कीजिए और खाली सेव में क्लिक कीजिए, ठीक है। सेव एंड लॉक वाला ऑप्शन कब क्लिक करना है, सेव एंड लॉक वाला ऑप्शन जब 17 तारीख या तो 16 तारीख जब आप लोग का लास्ट डेट है तो उस टाइम आपको सेव एंड लॉक में क्लिक करना है, ठीक है। अब करके ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, ओके। उम्मीद करते हैं ये चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपको क्लियर एकदम समझ में आ गया हो। तो जिसका रैंक सबसे अच्छा है, सबसे पहला वाला प्रेफरेंस अपना रखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो अभी खाली चॉइस फिलिंग कीजिए, बाद में जब आप लोगों का लिस्ट निकलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब निकलेगा, सीट अलॉटमेंट लिस्ट जब निकलेगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो मैं लाऊंगा, ओके। तो अभी खाली चॉइस फिल कीजिए और सेव, खाली चॉइस फिलिंग के साथ साथ खाली सेव वाला बटन में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था पहला वाला ऑप्शन में, जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी में आया और आपके जो फ़ोन में आया, वही पासवर्ड आपको इस साइन इन में जाने के बाद वही ईमेल आईडी और वही पासवर्ड आपको डालना है जो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी में आया, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर पता चल गया, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।